पर्स चोरी कर रहा था। अच्छा, पर्स चोरी करता है? हेलो मैडम। थैंक यू। पर्स चोरी करता है हमारे एरिया में आके तू पर्स चोरी करता है? ओए, क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है? भाई तू कौन है, प्रधानमंत्री है क्या? अरे मैं जो भी हूँ, इस पे हाथ मत उठा, समझा तू? तो क्या किया इसने? अबे ये पर्स चोरी कर रहा था उसका। अरे भाई साहब झूठ बोल रहा है, उसके अंदर मेरे पैसे हैं, तो कुछ मालूम तो है नहीं, बस मारे जा रहा है। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे यो, समझा, मुझे बात पता क्या हुई है? बता क्या बात है। मैडम ये पर्स आपका है? हाँ मैं झूठ ही बोलूंगी। और इसमें जो पैसे वो भी आपके ही होंगे? हाँ। लो मैडम। मैंने बोला तो था उसको आने के लिए, अब नहीं आया तो मेरी गलती थोड़ी है। तू बात करके देख ले भाई, मैं कह रहा हूँ तू बात करके देख ले, मेरे को नहीं मालूम। रुकी हुई दोनों। हाँ बोल। अरे मैडम क्या दिक्कत है आपको? मुझे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्यों चिपके जा रही है? तो एक काम करना, पैसे दे दे मुझे। पैसे? किस बात के पैसे? देख बहुत प्यार से बोल रही हूँ, पैसे दे दे, वरना अभी चिल्ला चिल्ला के ना सबको बुला दूंगी आप पे। अरे कौन से पैसे की बात कर रही हो, मैं नहीं देने वाला कोई पैसे वैसे, अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये ना जब लोग आएंगे तब बताना। बचाओ बचाओ। अरे मैम बचाओ। अरे सुनो तो, एक सेकंड। जल्दी ठीक है, चल निकल। अरे ले भाई तू भी देख ले, और आके खोल के देख किसकी गलती है। अब भाई बात समझ में? और भाई साहब हर बार लड़के गलत हो ये जरूरी नहीं है, समझे ना? जो लड़की देख के उसके तरफ हो जाते हो ना, ये बंद कर दो। यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठाया। मैं भूल गया था कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और भाई साहब आप भी मुझे माफ़ कर दो। और सुन, आज के बाद बिना सोचे समझे किसी पर हाथ मत उठाइए, समझा तू? चल निकल अब। जाओ इधर लाओ। कहाँ जा रही हो? लो भाई साहब ये आपका पर्स। थैंक यू भाई यार। और मैडम इधर आओ। ये ना मैं भी मार सकता हूँ, लेकिन ये हमारे संस्कार नहीं है कि लड़की पे हाथ उठाए। I'm sorry.